हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से ग्रेविट क्लासेस आपका वेलकम करता है और होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे खुश होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा काफ़ी स्कूल से और ये हेक्टिक शेड्यूल से पढ़ाई वगैरह के काफ़ी छुट्टी मिल गई होगी। तो ठीक है, बाहर मत निकलिए, घर पे ही रहिए, सेफ रहिए और थोड़ा बहुत हो सके तो पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स। तो हमें क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले ये हमें जानना है सबसे पहले क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्लास एलेवेंथ की फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था, तो क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में हमें क्लासिकल फ़िज़िक्स ज़्यादा पढ़नी है। हालाँकि मॉडर्न फ़िज़िक्स भी है जिसमें ऑप्टिक्स है, वो भी पढ़नी है, लेकिन फ़िलहाल क्लासिकल फ़िज़िक्स पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो तो क्लासिकल फिजिक्स में जो दो टॉपिक है या दो यूनिट कह सकते हो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पढ़ना है, वो है एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है तो उसके लिए आई होप तुम लोग कोऑपरेट कर लोगे। और एक है इलेक्ट्रो डायनामिक्स। थोड़ा बेसिक्स ही पढ़ेंगे हम लोग की, क्योंकि पहली क्लास है आज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है, तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है और स्टैटिक का मतलब जैसा आप लोग जानते हो कि रेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब निकल के आया चार्जेस एट रेस्ट। वैसे ही इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और डायनेमिक्स का मतलब मोशन, तो ये हो गया चार्जेस इन मोशन। ठीक है, ठीक है, चार्जेस इन मोशन। अब चार्जेस इन मोशन, तो जब चार्जेस इन मोशन होंगे, जब मतलब चार्ज मोशन में होगा तो उससे क्या पैदा होगा, जाहिर है तुम ये सब पढ़ चुके हो क्लास टेंथ में, इसकी थोड़ी बेसिक्स तुम लोगों ने पढ़ी है फिजिक्स में। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो क्या पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं। तो इसमें हमारा आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमें जो पढ़ना है चार्जेस इन मोशन में। और चार्जेस मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करते हैं, तुम लोगों को पता है। और इसमें हमें पढ़ना है एसी, बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, और ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है फिलहाल ये, तो हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही अगला यूनिट है अभी, जिस पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि मैंने बोला, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, आई होप यू कैन कोऑपरेट। और उसके बाद है कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हालांकि फ्लक्स भी आएगा। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। कह सकते हैं हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हमें ये चार चैप्टर्स पढ़ने हैं वन बाई वन। तो बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि हमारा ये यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का पहला चैप्टर या पहला टॉपिक है। ठीक है, चलो ये सब कॉपी कर लिया है ना, हमने कहा था ना कि पेन और नोटबुक तैयार रखना है जब भी मेरे क्लास में रहना है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और है, मेरी क्लास में जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मेरी क्लास में जो है दो रूल याद रखना है जब भी बैठे हो। पहला रूल है कि टीचर इज़ ऑलवेज राइट, और दूसरा है इफ़ नॉट देन फॉलो द फर्स्ट रूल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस। तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से बोला, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि सर हमेशा सही होते हैं। ठीक है, वैसे इसमें गलत नहीं है, सर सही होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमको पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में सबसे बेसिक यही आएगा कि सर चार्ज क्या है, पहले बताइए चार्ज है क्या एक्चुअली। ठीक है, चार्जेस के बारे में तुमने थोड़ा बहुत टेंथ में पढ़ रखा था,
तो जानते हैं सबसे पहले कि चार्ज है क्या, बेसिकली चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, बट इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो दिया था चार्ज की डेफिनेशन विलियम गिलबर्ट ने, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था विलियम गिलबर्ट। हाँ, तो विलियम गिलबर्ट ने चार्ज को कैसे डिफाइन किया, विलियम गिलबर्ट ने, तो चार्ज को बहुत छोटे वे में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या हो गई, यहाँ पे चार्ज इज समथिंग पॉजेस्ड बाय अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एग्जर्ट और एक्सपीरियंस experience force on other charges। ठीक है, तो चार्ज की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट चार्ज इज समथिंग पॉजेस्ड बाय अ मटेरियल बॉडी, मतलब कोई भी मटेरियल बॉडी की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसके वजह से वो किसी अदर चार्ज पे या तो फोर्स एग्जर्ट कर सकता है या तो एक्सपीरियंस कर सकता है। सपोज यहाँ पे दो चार्जेस है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, दोनों बॉडी चार्ज बॉडी है सपोज हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज, विलियम गिलबर्ट ने कहा कि चार्ज एक ऐसी चीज है जिसके वजह से एक मटेरियल बॉडी दूसरे मटेरियल बॉडी पे या तो फोर्स एग्जर्ट कर सकती है या तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस कर सकती है। आई होप समझ में आ गया होगा कि चार्ज है क्या। ठीक है, तो चार्ज तो हमने समझ लिया क्या है। ठीक है, चार्जेस अब बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, बचपन में पढ़ाए कहोगे सर दो ही होते हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, अगर टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहला हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये भी बचपन में पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस आई थिंक लिखवाने की ज़रूरत है नहीं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारा चार्जेस बेसिकली हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी जानने वाली चीज़ है तुम लोगों के लिए कि चार्ज बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास होती है, उसी तरह उसकी बहुत बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज भी होती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जिसके बारे में आप फर्दर रिसर्च ना कर सके या बात ना कर सके। मतलब मास क्या है, मास है बॉडी की प्रॉपर्टी है मास, चार्ज भी क्या है, बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर ये कॉपी कर ली हो तो दोनों में डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग चार्ज और इधर साइड में लिखते हैं मास। तो पहला डिफरेंस तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस हो जाएगा चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज इज समथिंग पॉजेस बाय अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस और एग्जर्ट्स फोर्स ऑन सम अदर चार्ज। तो ये हो गया पहला इसका। ठीक है, ठीक है, इसको लिख देते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट एग्जर्ट्स और एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑन अदर चार्ज। मास क्या है, बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बचपन में, पढ़ा तो सर सब था बचपन में, बट याद कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्लास में आ गए हो तो याद आ जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ
बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, एक चीज और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, लेकिन देखो क्या है, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये क्या हो गया सर, क्या बोल दिया आपने? ठीक है, देखो समझाते हैं। चार्ज जो है ना हमारा, चार्ज जो है मास के बगैर, चार्ज मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर कोई मतलब चार्ज क्या है, हमने लिखवाया ना कि चार्ज प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, या फिर हमने जैसे लिखवाया था डेफिनेशन में मटेरियल बॉडी, किसी मैटर की या किसी मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी चार्ज है। अब एक बात बताओ, कोई बॉडी, कोई मटेरियल बॉडी ही नहीं होगी तो चार्ज एग्जिस्ट कर पाएगा? मतलब मटेरियल बॉडी नहीं होगी तो क्या होगा, उसका मास नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि मैटर क्या होता है, मैटर हैज़ मास एंड समथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, यही पढ़ा था ना बचपन में कि इसको मैटर कहते हैं। तो जो चीज़ मैटर नहीं होगा उसके पास मास नहीं होगा, और जो चीज़ मैटर नहीं होगा उसमें चार्ज नहीं होगा। तो जाहिर है जिसके पास मास नहीं होगा, मास जब होगा नहीं तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये तो बहुत आसान है कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर बॉडी दुनिया में जितनी भी मटेरियल बॉडी है सब पे चार्ज हो, ज़रूरी थोड़ी है कि चार्ज हो। इट मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि चार्ज हो उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ गई तो अगला इसका पॉइंट आ गया कि चार्जेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मास इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बड़ा आसान है ना ये। ठीक है, तो चार्ज पॉजिटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो हमारा मास होगा वो पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव होगा और नॉर नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसमें लिख सकते हैं मास इज येट टू बी क्वांटाइज्ड, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, परेशान नहीं होना है। चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, मास क्वांटाइज्ड नहीं होते। तो ये बड़े बेसिक से जो है डिफरेंस है चार्ज और मास में। एक और आ सकता है इसमें कि एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या होती है भाई, कूलम्ब होती है। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट होती है केजी। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, तो अगर ये कॉपी कर लिया हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, वो ये है कि दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगा इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। लेकिन दो बॉडी होगी जिनके पास मास होगा उनके बीच में हमेशा जो फोर्स होगा ना वो अट्रैक्टिव ही होगा। तो ये लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है ना,
ये दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्सेस अट्रैक्टिव हो सकते हैं, रिपल्सिव हो सकते हैं। जैसे कि अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव होंगे, लाइक चार्जेस हो तो रिपल्सिव होंगे। और यहाँ पे ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्लास 11th में पढ़ा है तुम लोगों ने, इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने दिया था, कूलम्ब भाई साहब ने दिया था। और कूलम्ब साहब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो चलो, आई होप इतना कॉपी कर लिया हो और आई होप कि मेरी राइटिंग भी समझ में आ रही हो तुम लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है जो अगला टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ तो भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज मतलब कि हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होंगे, डिस्क्रीट लम्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो ये कहता है चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट एज द मल्टीपल ऑफ एज इंटीग्रल मल्टीपल, यहां ऐड कर लेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इस स्मॉलेस्ट पार्टी पॉसिबल चार्ज को हम लोग जो है एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एलिमेंट्री चार्ज। चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि कहता है, मान लो चार्ज का सिंबल क्या होता है, हम लोग बचपन से क्या लिखते आए हैं भाई, चार्ज का सिंबल हम लोग क्यों लिखते आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, दैट इज यहाँ पे क्यू बराबर हो जाएगा एनी, आगे लगेगा प्लस माइनस। तो बस यही है, क्यू बराबर एनी और कुछ नहीं, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे प्लस माइनस इसे लगा है क्योंकि चार्जेस तुम लोगों को पता है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एन क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्यू क्या है, टोटल, यहाँ लिख देते हैं वेयर क्यू टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। एन क्या है, हम कह सकते हैं एन है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ई क्या है, ई जैसा कि तुमको पता है एलिमेंट्री चार्ज है और इसकी वैल्यू होती है 1 point, ठीक है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना। कुछ किताबों में तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे प्लस माइनस भी दे देता है, हम लोगों ने क्योंकि आगे फॉर्मूले में ही प्लस माइनस लगा रखा है तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको कॉपी कर लो, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो अगर सपोज़ एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्यू बराबर कितना होगा, क्यू बराबर कितना होगा भाई, प्लस माइनस 1 ही होगा। अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो क्यू बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 2 ही, समझ रहे हो ना। इसका मतलब देखो, इंटीग्रल मल्टीपल डेफिनेशन क्या कह रही है, यहीं से आई है कि ये इंटीजर है आगे, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, ये एलिमेंट्री चार्ज। मतलब चार्ज हो सकता है 1e, 2e, 3e, 4e, मतलब चार्ज कभी भी 1.5e, 2.5e, 3.25e, 4.25e, ये सब नहीं होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। 1e, 2e, 3e, 4e, 5e ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यही हमने बोला था कि चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज, किसी बॉडी पे चार्ज 1e, 2e, 3e होगा, 1.5, 2.5, 4.5, 3.25, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलो
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छी हिंदी हो गई है मेरी, हाँ बिल्कुल क्वारंटाइन में हिंदी पढ़ी है काफ़ी हमने, चलो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है पुलम्स लॉ। हाँ ये तो सर बहुत सुना था, बहुत डराते थे सीनियर, बोलते थे पुलम्स लॉ, दिन भर बात करते रहते थे जब 11th में थे कि कुलम्स लॉ से ये आया वो आया, देखते हैं कुलम्स लॉ क्या है। हाँ तो कुलम्स लॉ क्या है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर बताते हैं। अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बिटवीन टू चार्जेस या बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस लिखा जा सकता है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ठीक, तो basically कुलम्स लॉ क्या कहता है, कुलम भाई साहब ने कहा, जैसे कि तुम लोगों को याद होगा क्लास 11th में न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन बाबा ने दिया था याद होगा, तो न्यूटन बाबा ने क्या कहा था, न्यूटन साहब ने, कि दो चार्जेस हैं, दो बॉडी है या दो मासेस है, उनके बीच में जो फोर्स होगा और वो हमेशा फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। ये याद होगा, एकदम वैसा ही चार्ज के केस में है, और इसको डिफाइन किया है कुलम साहब ने कि मान लो एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और एक चार्ज है यहाँ पे Q2, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, हमने इंटरैक्शन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि दिस फोर्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स जब अनलाइक चार्जेस होंगे और रिपल्सिव होगा जब लाइक होंगे, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स मान लेते हैं चलो कि अट्रैक्टिव ही है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और ये जान लो कि इनके बीच में सपोज इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया, बचपन से जानते हो जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी आएगा, कुछ अलग नहीं होगा, जो बचपन से पढ़ा है वही अभी भी पढ़ोगे, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे के क्या होता है, के को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट ये कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे जानने वाली, इधर कर देते हैं, इधर लिख देते हैं, जो K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, ये बेसिकली होता है 1/4πε0, मतलब हेयर K इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग और F की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, K की जगह पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो ये वाली वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो F को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ε0 क्या है, ε0 है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, K की वैल्यू बेसिकली होती है, ये होती है 9 × 10⁻¹। बाकी तुम लोगों ने डायमेंशन वगैरह पढ़ा है ना, वहाँ पे क्लास 11th का पहले ही चैप्टर था डायमेंशनल एनालिसिस, तो वहाँ पे यूनिट निकालना तुम लोगों को आता ही है। K की यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इधर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और पर कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर पूछोगे क्या होती है, तो ये होती है 8.85 × 10⁻¹². 8.85 × 10⁻¹² इसकी वैल्यू होती है। और इसकी भी यूनिट तुम लोग निकाल सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है ना। ये देखो, ये नीचे है, ये ऊपर है, जो इसकी यूनिट होगी K की उसी की जस्ट अपोजिट इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है K की यूनिट, क्या है जैसे कि, अच्छा इसको यहाँ पे अपॉन हटा के ऐसे भी कर सकते हैं, कूलम की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं, माइनस है ये प्लस हो गया, और न्यूटन -1 मीटर -2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक है, तो ये तो है कि ये जब दो चार्जेस किस पे रहेंगे, फ्री स्पेस में रहेंगे, मान लो इनके बीच का मीडियम एयर है या वैक्यूम है, तो यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट। इफ द मीडियम, ठीक है, चलो ये आगे कराते हैं, हम यहाँ पे स्पेस कम बचा है बोर्ड पे, तो इतना पहले कॉपी कर लियो आई होप, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो क्या होगा, इफ द मीडियम इज अदर देन एयर, या फिर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, देन वी रिप्लेस एप्सिलॉन नॉट बाय व्हाट, हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग एप्सिलॉन यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये रिप्लेस कर देते हैं इससे, ठीक है। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन यहाँ पे होता क्या है, एप्सिलॉन पहले होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम हो उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है ना। एप्सिलॉन को हम लोग बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, इसका रिलेशन इससे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और हो सकता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर है हमारा रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यहाँ से निकल के क्या आता है, यहाँ से निकल के आता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक चीज़ और जान लो, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, के है। तो हम लोग एप्सिलॉन आर को के भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये कूलम्स लॉ पूरा हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो है, इसके बाद है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हालांकि बचा हुआ है, उसको हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। टिल देन तुम्हारा, आप लोग का होमवर्क है कि इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सिर्फ नोटबुक और पेन नहीं, दिमाग भी इस्तेमाल करो, इसको अच्छे से पढ़ो, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।